जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन पेड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट क्लास हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से हो चुकी है, जिसमें हमने एसिड के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारा सेकेंड पार्ट है। सो हमारी ये भी क्लास जो है वो यूट्यूब और ऐप दोनों के ऊपर हमारी लाइव चलेगी। इसके बाद जो हमारा बेस का चैप्टर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस के लिए ही रहने वाला है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एसिड के बारे में कवर कर लिया था, आज इसके नेक्स्ट सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, साथ साथ में आप जो है वो नोट्स बनाते चलिए, और अगर अभी तक अगर आपने विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप HP TAT CTAT कोर्स को बाय कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.vijaypatheducation.com के ऊपर जा सकते हैं, या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपने HP TAT CTAT का कोर्स अगर परचेज किया है तो उसमें साथ में ही आपको इसकी PDF जो है, क्लास की PDF भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके नोट्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन विच इज यूज्ड। आपके लिए क्या बोला गया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह उसे यूज किया जाता है, जो क्या काम करता है, इथेनॉल को कन्वर्ट करता है इथेन में। यानी कि एक कंपाउंड को हम जब दूसरे कंपाउंड में चेंज करते हैं, इथेनॉल को इथेन में चेंज किया जाता है, तो किसकी हेल्प से चेंज किया जाता है, निकल, सनलाइट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हीट के द्वारा। तो देखिए, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो उसमें हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो इसमें यूज किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे केमिस्ट्री के सेक्शन जो है वो आपका HP TAT CTAT ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं, काफी बेहतरीन अप लेवल का आपके पास ये सेशन रहेगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका क्या है, नॉट ट्रू, सही नहीं है, सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, एसिड के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले में क्या बोला गया, इट फॉर्म्स एच पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम या फिर लिक्विड स्टेट। तो देखिए, एसिड तो एच पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते ही हैं, इसका मतलब पहली लाइन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया, इट इज बिटर इन टेस्ट। नहीं, ये चीज गलत है हमारी, क्योंकि एसिड का टेस्ट कैसा है, एसिड खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, ना कि वो कड़वे होते हैं, बिटर नहीं होते, इसलिए ऑप्शन टू हमारा गलत हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसिड के बारे में पहले ही आपको बताया है, 0 से लेके 7 के बीच जिसका pH मान रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। pH की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। SP सोरेंसर के द्वारा जो है उसकी डिस्कवरी की गई थी, और लगभग pH की वैल्यू जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेशन रहती है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू जो है वो कभी भी हम उसकी नहीं बता सकते। हमें पता है कि सॉल्ट और वाटर की जो pH वैल्यू है वो 7 है 7 है, लेकिन वो हर टाइम फिक्स नहीं रहती। हम जो भी पानी पीते हैं वो 6.8 पे भी हो सकता है, 7.7 पे भी हो सकता है, लेकिन केमिकली जब उसको चेक किया गया था SP सोरेंसर के द्वारा, ये डिस्कवरी की गई थी pH की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, तो उसमें जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी 7 सॉल्ट एंड H2O की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं होना चाहिए, ये आपको बोला गया है। तो देखिए, पहला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद है SO2, उसके बाद SO3 एंड लास्ट वन है NO2। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या निकालते हैं,
एसिडिक ऑक्साइड ही बाहर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमेशा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिड होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं SO2, SO3 और NO2, ये हमारे क्या हैं, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर को शो करते हैं। इसका मतलब बचा कौन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये एक न्यूट्रल नेचर का होता है, यानी कि ना तो ये एसिडिक होगा ना तो ये बेस होगा। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉट एसिडिक, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक नहीं है। एसिडिक ना होने की बात यहां पे आपसे पूछी गई है, एसिडिक नहीं है, तो चेक कीजिए कौन सा इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्या इसका राइट आंसर आपके पास रहना है, तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक नहीं है। PCl4 है, SbCl4 है, CCl4 है और PCl2 है, तो कौन सा एसिडिक कंपाउंड नहीं है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एसिडिक नेचर का नहीं होता, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। CCl4 को किस नाम से जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये जो है वो एक कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है जी। और ये जो है वो कलरलेस होता है, इसका यूज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ जो है वो किसके लिए, फायर एक्सटिंग्यूशर में जो है वो उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो, किस रेशो में होते हैं जब ये एक्वारिजिया बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्वारिजिया है इसका एक नया नाम भी है, इसको हम जो है वो रॉयल एसिड के नाम से भी जानते हैं, रॉयल एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो रॉयल एसिड को ही हम एक्वारिजिया कहते हैं। और एक्वारिजिया जो है वो क्या है, एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, और साथ में किसका मिक्सचर है, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। लेकिन इसकी रेशियो कितनी होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है HNO3, पहले भी मैंने डिस्कस किया है ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। HCl जो है वो 3 अमाउंट में होता है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 में होता है। 1:3 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये जो है जो भी हमारे नोबल मेटल्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये इनको क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, और मिक्सचर होता है ये किस चीज़ का, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कंसेंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेटेड का ही मिक्सचर है। और इस एक्वारिजिया को नया नाम क्या दिया जाता है, रॉयल एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड गिव्स एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा कौन सा एसिड है जो वीक एसिड है, वीक कब होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का दिया गया, वीक कब होगा, जब उसमें से एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या निकलेगी, कम निकलेगी। मैंने पहले ही बताया था एसिड वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाई वैल्यू में निकालें तो बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, लो वैल्यू में निकालें तो बनते हैं वीक एसिड, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो वीक एसिड कौन सा है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाई वैल्यू में एच पॉजिटिव आयन निकालता है, इसका मतलब ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा।
नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो बचा कौन? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था? CH3COOH। इसका उपयोग जो है वो विनेगर यानी कि सिरके में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आप बोल सकते हैं सिरके में जो है कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है जी, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स, आपको बतानी है किसके रिगार्डिंग है ये? ये है आपकी एसिड के रिगार्डिंग, तो एसिड में आपको चीज बतानी है ये। एसिड के लिए आप ये चीज बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड, सॉरी फॉल्स नहीं है, नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन है सोर टेस्ट, हाँ ये तो ठीक है क्योंकि खट्टा टेस्ट होता है एसिड का, ये तो सही है। रिएक्ट विद मेटल एंड बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस H2 एंड CO2 एंड सॉल्ट, ये भी जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है और सॉल्ट भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट है स्लो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, स्लो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला गया एसिड प्लस बेस को जब मिलाते हैं तो H2 और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक इसमें दी गई है। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो H2O यानी कि पानी और सॉल्ट निकलता है। यहाँ पे इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस को बोला गया है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन सी है ये क्या हमारा गलत है। तो नॉट ट्रू पूछी थी, इसका मतलब सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज इनकोरेक्ट, थोड़ा सा उसी तरीके से क्वेश्चन बोले गए हैं लेकिन हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी एसिड के रिगार्डिंग इनकोरेक्ट है यानी कि गलत है, कौन सी है? देखिए पहले में क्या बोला गया, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, हाँ ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की तरह सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, पहले इक्वेशन में मैंने आपको बताया। उसके बाद बोला गया एसिड रिएक्ट विद एल्कली एंड इंक्रीज सॉल्ट विच इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, सो इस ऑप्शन में हमारे पास बोला गया कि एसिड जब रिएक्ट करता है एल्कली से तो उसको जो है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है वो हमें मिस्टेक लग रही है, इनकोरेक्ट लग रहा है एसिड के रिगार्डिंग। ठीक है, बट फिर भी नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस, ये तो सही है क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल यानी कि जो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करता है, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया था। ये देखो आपको यहाँ पे बताया था कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस CO2 और सॉल्ट जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बट ये तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सॉल्ट निकलता है, इसका मतलब ए सी और डी तो सही है, मिस्टेक किस में है? ऑप्शन बी में है। इसका मतलब हमें इनकोरेक्ट बताना था एसिड के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डाला है मैंने और आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो न्यूमेरिक क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है, रेशो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, रेशो दी गई है 5:7 की, क्या क्या दिया गया है? सॉल्ट दिया गया है, एसिड दिया गया है, कितनी कितनी रेशो? 5:7 का अनुपात दिया गया। वेट ऑफ द मिक्सचर इज 360 ग्राम, दोनों का वेट कितना है? 360 ग्राम है। आपको बताना है एसिड कितना प्रेजेंट है, उसका एसिड का आपको वेट बताना है। तो देखिए
निकाला कैसे जाता है, निकालते कैसे हैं? अब इसको मान के चलते हैं, सोल्ट जो है वो कितना है, 5 ग्राम है, एसिड जो है वो 7 ग्राम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हुआ, सॉल्ट 5 है और एसिड 7 है, रेशियो के अकॉर्डिंग आ गया 12 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 12 ग्राम नहीं है, मिक्सचर तो 360 ग्राम का है, तो 1 ग्राम की वैल्यू आप निकाल लो, 12 से 360 कट जाएगा, 12 तीन 36, 1 की वैल्यू कितनी, 30। आपको बोला है एसिड पता करना है, एसिड कितना था, 5 था, ये तो इसको क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो, 30 पंजे कितने, 150 ग्राम। 360 में से 150 ग्राम जो है वो आपका क्या रहेगा, एसिड है, और बाकी जो हिस्सा बच गया वो आपका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। जस्ट सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी। 30 को 5 से गुणा करेंगे, 150 आएगा, 150 ग्राम ऑप्शन में है, कहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे ऑप्शन डी क्यों बताया फिर, 210 210 210, 12 तीन 36, 30 को 5 से किया, अच्छा ओहो यहाँ पे 5 से गुणा नहीं होना था। देखिए 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम की वैल्यू आ गई 30। अब हमें बताना किसका है, एसिड का, तो रेशियो भी किसकी लेंगे, एसिड की लेंगे, मैंने गलती से सॉल्ट की रेशियो ले ली थी, तो 150 ग्राम क्या बनेगा, 150 ग्राम सॉल्ट होगा, और 7 से गुणा करेंगे, 7 तीन 21, यानी कि 210 ग्राम क्या है, 210 ग्राम क्या बन जाएगा, दो सौ दस ग्राम जो है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही, एसिड का स्वाद खट्टा होता है, सोर होता है, टेस्ट ऑफ एसिड इज बिटर, नहीं ये चीज गलत है, बिटर नहीं होते, कड़वे तो बिल्कुल नहीं होते, एसिड कंबाइंड विद एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है, जब भी एसिड एल्कली के साथ जो हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है, ये भी सही है, तो बचा कौन, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, एसिड बेस और सॉल्ट तीनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो एचपी टैट सी टैट ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए हमारे जो डिफरेंट क्लासेस हैं, बेसिक जर्नल फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी दोनों ऐप के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं, उसकी एक या दो फ्री डेमो क्लासेस जो हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी। बाकी अनदर जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके हमने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर हमने वहाँ पे पुटअप किए हैं, डेली क्विज हम उसमें डालते हैं, अपलोड करते हैं पेड कोर्सेज के बच्चों के लिए, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक परचेज में नहीं जुड़े हैं, पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये हमारी एसिड की सेकेंड क्लास रहेगी जो ऐप और यूट्यूब दोनों के ऊपर हमारी लाइव चली है, और जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी आने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए ही हमारी चलेंगी, जो कि आपको एचपी टैट सी टैट कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं, अपने कोर्स को सिलेक्ट करें, और अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है उसको परचेज करने में तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी से आप इसको बाय कीजिए। डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे जो हैं न्यूज़पेपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डे टू डे के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको भेजा जाता है, ई पेपर आपको न्यूज़पेपर भेजे जाते हैं,
जो दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर हैं जैसे पंजाब केसरी, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, और साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हैं जो आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ट्रिब्यून है, या फिर जो हमारी मंथली मैगजीन आती हैं गिरिराज है, जो हिमाचल करंट अफेयर के लिए काफ़ी फेमस पॉपुलर एक ई बुक जो है वो मानी जाती है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे न्यूज़पेपर्स के ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी, बेहतरीन लगी। आने वाली क्लासेस हमारी सभी ऐप के ऊपर चलेंगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और बने रहें विजयपथ एजुकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।